सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। केंद्रीय मंत्री लोकसभा सांसद स्मृति ईरानी, उनका स्तर लगातार गिरता जा रहा है। हम किस स्तर की बात कर रहे हैं? राजनीतिक स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम नैतिकता के स्तर की बात कर रहे हैं। नैतिकता के स्तर पर लगातार स्मृति ईरानी गिरती हुई जा रही हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहा गया, यहां तक कि प्रवेश वर्मा ने यह भी कह दिया कि जो लोग आज शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं, कल वही लोग आकर आपके घरों में बलात्कार करेंगे आपके घर की स्त्रियों के साथ। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। क्या शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोग बलात्कारी हैं? क्या अपराधी हैं? क्या किसी मामले में दोषी पाए गए हैं? यह तमाम सवाल सामने आते हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता कुलदीप सेंगर या फिर चिन्मयानंद की बात करें, वह बलात्कार के दोषी हैं, तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी को दोषी मान लिया जाना चाहिए? बल्कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों में अब तक कोई ऐसा प्रदर्शनकारी सामने नहीं आया है जो जघन्य अपराधों में घिरा हुआ हो। हो सकता है वहां हो भी ऐसा व्यक्ति, लेकिन उस दौरान किसी भी प्रकार के घटनाक्रम घटित नहीं हुए हैं जब से यह प्रदर्शन चल रहा है। प्रवेश वर्मा का कहना है कि यह लोग आपके घर में आकर कल बलात्कार करेंगे। क्या यहाँ भी वह फूट डालने की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं वह? क्या मुसलमान आकर हिंदुओं के घर में बलात्कार करेंगे, इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं? लेकिन उनके इस बयान के बाद भले ही चुनाव आयोग ने तो किसी प्रकार का चलिए संज्ञान ले लिया है, जबकि इससे बड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने भी निकलकर सामने आकर इस बयान की आलोचना नहीं की है, बल्कि कहीं ना कहीं से वह वाहवाही प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की। वह लगातार विवादित बयान दे रही हैं, अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर ले रही हैं। एक समय था जब स्मृति ईरानी निकलकर बाहर आई थी UPA 2 की सरकार में, और जिस तरह महंगाई बढ़ रही थी देश की, उसको लेकर काफ़ी चिंतित नज़र आ रही थी, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए चूड़ियाँ भी भेंट की थीं और उन्हें यह नसीहत दी थी कि आप यह चूड़ियाँ पहन लीजिए। लेकिन अब वही चूड़ियाँ प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के पास क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि महंगाई का स्तर तो उससे ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ रोज़गार भी नहीं बचा है। जबकि हम UPA 2 की बात करें तो महंगाई का स्तर तो बढ़ रहा था, लेकिन उत्पादन के क्षेत्र में किसी प्रकार की भी कमी नहीं आई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनता की जेब में कम से कम पैसा तो था। लेकिन आज जिस तरह से उत्पादन घटता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आती जा रही है, उससे यह साबित होता है कि जनता की जेब में तो पैसे ही नहीं बचे हैं। स्मृति ईरानी इस दौरान भी कह रही हैं कि जो लोग लोकसभा चुनाव में हार गए हैं, वही शाहीन बाग के प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके लिए फंडिंग कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं, इसके संबंध में तो हमें नहीं पता, हमने किसी प्रकार की रिसर्च नहीं की। लेकिन जितनी रिसर्च करने की कोशिश की भी है तो फंडिंग की बात सामने नहीं आई है। फिलहाल जांच एजेंसी यानी कि हमारी खुफिया एजेंसी इस बात पर लग गई है कि मालूम करने की कोशिश की जाए कि आखिर इस प्रदर्शन को के लिए फंडिंग कौन कर रहा है। आपने देखा किस तरह विपक्ष के नेता उस प्रदर्शन में जाकर शामिल हुए और स्मृति ईरानी उसी बात को निशाना बना रही हैं। क्या जब देश का कोई नेता या फिर कोई क्रांतिकारी आम व्यक्ति या नागरिक निकलकर सड़कों पर आते हैं और अपना दुख जाहिर करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, अपने ऊपर उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा होता है उसका विरोध करते हैं, तो क्या किसी नेता का, विपक्षी दल का या सत्ताधारी दल का यह फ़र्ज नहीं बनता है, यह कर्तव्य नहीं बनता है कि उनसे जाकर मुलाकात करे, क्योंकि वह भी उसी देश की जनता है, और उनसे मुलाकात करके जानने की कोशिश करे कि आखिर उन्हें परेशानी क्या है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के वहाँ जाएं या फिर उनके संबंध में बात करें या उनके नेता वहाँ जाएं, जैसे कि अमानतुल्ला खां की बात करें हम, या फिर कांग्रेस के नेता वहाँ पहुँचे, दिग्विजय सिंह हो या कपिल सिब्बल हो, तो क्या इस बात को भी निशाने पर लिया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्मृति ईरानी को इस बात का अफसोस है कि आखिर वहाँ वह नेता क्यों गए हैं। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि महात्मा गांधी को वहाँ कोसा जा रहा है और जिन्ना की आज़ादी वाली आज़ादी की बात हो रही है। यह एक बयान सामने आया था, लेकिन जबान फिसलने को लेकर यह बयान था। लगातार नारे दिए जा रहे थे, यहाँ जिन्ना का विरोध किया जा रहा है, लेकिन नारों के बीच में जिन्ना का नाम पॉजिटिव रूप में आ जाता है, जबकि उसका ना ही उसकी पुनरावृत्ति हुई है, ना ही उस बयान से पहले कोई बयान दिए जा रहे थे।
लेकिन जबान फिसलने को लेकर यदि आप मुद्दा बनाते हैं तो यह बात पूरी देश की जनता को पता है और खुद आपके नेताओं को भी पता है। आपने देखा किस तरह जामिया के छात्रों पर गोली चलाई गई, लेकिन स्मृति ईरानी उसमें बिल्कुल चुप हैं। इस बात को लेकर स्मृति ईरानी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तो आप खुद सोचें कि शाहीन बाग में जो सत्याग्रह चल रहा है वह जिन्ना का आंदोलन है, या कल जो जामिया में के छात्रों के ऊपर गोली चलाता हुआ व्यक्ति सामने आया वह गोडसे का पुजारी है या भक्त है। यह सोचने वाली बात है। स्मृति ईरानी का स्तर इतना गिर जाएगा, इतनी घटिया राजनीति पर पहुंच जाएंगी, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। एक महिला होते हुए भी उन्होंने यह ख्याल नहीं किया किस तरह प्रदर्शनकारी महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे थे और वहां स्मृति ईरानी चुप थी, जबकि अब तक भी किसी तरह का बयान नहीं आया है उन बयानों को लेकर स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी के संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।